गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में पढ़ाई करेंगे। आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन मीन्स प्रोसेस टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी टाइप ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना हो, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या फिर डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, दैट मीन्स इफ एग्जांपल की बात कर लें, अगर वाई बराबर एक्स स्क्वायर तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स इट मीन्स टू एक्स, दिस इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ठीक है, इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या है। तो इन्वर्सिबल फंक्शन, किसी फंक्शन का कौन सा फंक्शन इन्वर्सिबल होगा, आई इट मीन्स इन्वर्सिबल का मतलब कि एग्जाम्पल को फोकस करें तो आप एग्जाम्पल देख लें तो आपको पता चलेगा। मेरे लिए 149 यहाँ क्या है अभी, एफ एक्स
स्क्वायर, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, ओके, दैट इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ 1-1 फंक्शन, वेरी इन दिस केस एफ एक्स इज अ 1-1 फंक्शन, ठीक है। इन आइदर केस इफ वी आर गिवन इज सो 16, अगर बी में 16 गिवन हो, ओके, बी में क्या गिवन हो, 16 गिवन हो जाए, ठीक, इन कंडीशन में भी 1-1 फंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि प्रत्येक x का अपना एक यूनिक आंसर है, प्रत्येक x का अपना अपना एक यूनिक आंसर है, तो इस कंडीशन में, ठीक है, तो इस कंडीशन में f कैसा फंक्शन होगा, 1-1 होगा, ठीक, अंडरस्टूड। नाउ वी आर गोइंग टू से ऑन टू फंक्शन। Now let's discuss on two functions. If f is a function of a to b, b is a codomain, a is a domain. जो put करेंगे b जहाँ b क्या है, इसमें मेरा answer होता है, ठीक है? If f is on to, अगर ये on to function है, इसका मतलब b range होगा। b क्या होगा? Range। करने का मतलब ये है कि b में जो भी number put किया जाएगा, वो सब का सब answer होगा। वो सब का सब क्या बनेगा? Answer बनेगा। ठीक है? कोई छूटेगा नहीं। करने का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि B में जो भी होगा उसका एक अपना प्री इमेज होगा, इसका ये इमेज है, इसके लिए ये क्या है, प्री इमेज है, तो ये सभी का एक अपना क्या होगा, प्री इमेज होगा, ठीक है। प्रत्येक x का एक अपना आंसर तो होगा ही, और प्रत्येक आंसर के लिए x होगा, सभी आंसर के लिए क्या होना चाहिए, x। कोडोमेन में जो भी नंबर होगा उसका एक अपना डोमेन होगा, ठीक है, उस कंडीशन में वो लेंगे ऑन टू, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्यों, देखो बी में 4-1 है, 4 है और 9 है, ये बी में क्या है, 1 है, 4 और 9, ठीक, जितना बी में है वो सब आंसर में यूज हुआ, क्या है, बी क्या बन चुका है, रेंज, इसलिए बी अभी के लिए एफ कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। जैसे इसको देखो, ये ए, ये बी, ए बी सी, मान लिया 1, 2, 3, 4, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, एग्जाम्पल 3-4 का कोई नहीं, ठीक है, 3-4 का कोई प्री इमेज नहीं, या कोई भी कोड डोमेन में कोई ऐसा नंबर नहीं था, इसको पुट करने से मेरा 3 और 4 आया, ठीक है, तो यहाँ 3-4 आंसर में नहीं गया, इट मीन्स बी क्या है तुम्हारा, अभी बी है तुम्हारा कोड डोमेन, अभी बी क्या है तुम्हारा कोड डोमेन। अगर रेंज पूछा जाए, रेंज तुम क्या बोलोगे, 1, 2, ठीक है, 3-4 रेंज नहीं बन पाया, तो इस कंडीशन में अब ये कैसा फंक्शन होगा, इन टू फंक्शन होगा, देन एफ इज इन टू, कैसा फंक्शन, इन टू, अगर कोड डोमेन का सब नंबर आंसर में यूज होगा ऑन टू, एक भी नंबर अगर छूट गया, आंसर में नहीं गया, तो इसको बोलना है इन टू, ठीक है, ये ऑन टू और इन टू। और जब कोई फंक्शन 1-1 ऑन टू हो जाए, 1-1 अब प्लस में क्या हो गया, ऑन टू, देन कॉल्ड इनवर्सिबल फंक्शन, इनवर्सिबल फंक्शन, देन कॉल्ड इनवर्सिबल फंक्शन,